उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज सत्र का सातवां दिन है, जिसके तहत विधान परिषद में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर आकाश अग्रवाल के प्रश्न पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले 7 साल में यूपी में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास सर्वविदित है। सीएम योगी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद में 1,32,000 विद्यालयों में कायाकल्प अभियान के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 40 लाख से अधिक नए बच्चों ने भी प्रवेश लिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा में समानता लाने के व्यापक प्रयास हुए हैं, जो कि सामाजिक असमानता को दूर करने में सहायक होगा। साथ ही फेज वाइज एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को यूपी बोर्ड में भी लागू करने का प्रयास हो रहा है। इसी क्रम में सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 40 लाख नए बच्चों की वृद्धि ये दिखाती है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम सामने आ रहा है और आरटीई का उद्देश्य पूरा हो रहा है। पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है वह सर्वविदित है और शिक्षा से भी आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है। बेसिक शिक्षा परिषद जहां आरटीआई की आप बात कर रहे हैं, 1,32,000 विद्यालयों को मान्य जन प्रतिनिधियों के सहयोग से और समाज के मानिंदों के सहयोग से ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में 40 लाख से अधिक बच्चे ज्यादा इस समय प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर हर बच्चे को उनके यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, सॉक्स, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही फेस वाइज हम लोगों ने एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम, जिसे सीबीएसई बोर्ड भी अपने यहां लागू करता है, यूपी बोर्ड में भी उसको लागू करने का प्रयास हो रहा है। तो शिक्षा में समानता, ये सामाजिक असमानता को दूर करने में भी सहायक होगा। तो जब बेसिक शिक्षा परिषद उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है तो कोई आवश्यक नहीं कि हम पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल में ही बच्चों को भेजें, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद में आप भेजिए, फ्री में सारी सुविधा सरकार उनको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और ये पिछली प्रतिपूर्ति का माननीय मंत्री ने आपको जवाब दिया है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहित करें, स्कूल चलो अभियान अप्रैल में और जुलाई में इसीलिए प्रारंभ किया जाता है, एक एक पखवाड़ा इसी बात को लेकर प्रारंभ किया जाता है कि हर बच्चे को स्कूल हम भेज सकें। आरटीआई का भी उद्देश्य यही है कि कोई भी स्कूली शिक्षा से वंचित न रहने पाए, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ किया गया है। 40 लाख बच्चों की वृद्धि ये दिखाता है कि सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम सामने आ रहा है और आरटीआई का उद्देश्य पूरा हो रहा है।